रहो, दबाएं सब्सक्राइब का बटन और पाएं देश प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बीते दिन हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं की बैठक लेने रेवाड़ी आए थे, तब रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल भी प्रदेश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाए थे कि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में भी दवाइयों की खरीद घोटाले में शामिल है। यहां भी नियम कायदों को ताक पर रख कर करीब 2 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी गई थी। सुर्खियों में आने के बाद रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के SMO सुदर्शन पवार ने जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिसार की जिस सगुन ट्रेंडिंग कंपनी का नाम लिया जा रहा है वहां से आज तक कोई भी दवाई नहीं खरीदी गई। इस फर्म से केवल किट वगैरह खरीदी गई थी जिसकी राशि मात्र 17,000 रुपए थी और वह भी कोटेशन से खरीदी गई थी। 2 करोड़ रुपए की बात तो छोड़िए, आज तक 2 से 3 लाख का सामान तक नहीं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला का बयान निराधार है। प्रक्रिया थी किस तरीके से, इसको क्या क्या खरीदा गया था, कहां से खरीदा गया था? नहीं, ये जो आरोप लगे हैं जैसे हिसार की सगुन ट्रेडिंग कंपनी, इनके बारे में कुछ ऐसे बताया है कि वे 2 करोड़ का सामान खरीद लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 17,000 का सामान खरीदा है टेंडर देने के बाद, 17,000 ओनली जी, और वो भी सिर्फ कुछ रिएजेंट हैं जी, जैसे कि भाई HBS एंटीजन या प्रेगनेंसी टेस्ट, इस तरह की किट है, दवाइयां, कोई भी दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई गोली, कोई सिरप, दवाइयां नहीं खरीदी गई हैं एक भी जी। या खरीदी गई हैं तो ये खरीदी गई वैसे अल्ट्रासाउंड का रोल हो उसमें कागज वगैरह में आता है जी। या कोई टेस्ट ट्यूब हो, पीपेट हो, इनमें शायद इसकी ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है जी। दवाइयां कोई भी नहीं खरीदी गई है उससे। अगर आप बात करें तो ये जो ट्यूब वगैरह जो जिस तरीके के साथ जो सामान खरीदे गए, अगर ये बात करें तो कौन सी फर्म से ये खरीदे गए थे, क्या इसकी ऑनलाइन टेंडरिंग थी या किस तरीके से खरीदे गए? टेंडरिंग करी गई थी 16 में जी, और टेंडरिंग से पहले भी कुछ कोटेशन से खरीदा गया था जी, ठीक है ना। लेकिन जो टेंडरिंग करी गई थी उसको टेंडर में दे दिया था हमने, लेकिन दवाइयां नहीं दी गई थी उसको, इसमें कोई दवाई का, हाँ, कोई दवाई का जिक्र ही नहीं है। अगर बात करें तो, बात करें राशि की, तो ये लगभग कितने अगर रकम की आसपास ये खरीदी गई होंगी? टेंडर के बाद 17,000 रुपए का सामान खरीदा गया सिर्फ, टोटली टोटल टेंडर देने के बाद टेंडर से 17,000 का सामान खरीदा गया है। तो कुल मिला के ये आरोप जो आपके अपने हॉस्पिटल पे लगाए गए ये निराधार है? बिल्कुल निराधार है। 2 करोड़ का जैसे बता रहे हैं आज तक नहीं खरीदा गया 2 करोड़ का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 3 साल 2.5 साल हो गए जी, पूरे 2.5 साल की शायद शॉपिंग ना हो 2 करोड़ की। तो 17,000 का सामान सगुन ट्रेडर से खरीदा गया है टेंडर देने के बाद जी, और टेंडर से पहले कोटेशन पे थोड़ा बहुत शायद 1.5-2 लाख का खरीदा गया है, उसमें भी कोई दवाइयां नहीं है, एक भी दवाई नहीं खरीदी गई है। लेकिन पीपेट जैसे होता है, टेस्ट ट्यूब, कोई खाली शीशियां, ये जो टेस्ट में यूज होती हैं ये जरूर इनसे ली गई हैं, उसमें शायद इसकी जरूरत नहीं होती कि भाई उसमें ड्रग लाइसेंस है या नहीं है, उसमें जरूरत नहीं। ठीक है।